हेलो ट्रेडर्स, आप सबको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं, है ना। ये जो दीपावली के बाद जो नया साल चालू होगा, मैं आशा करता हूं कि आप सब अपनी ट्रेडिंग करियर में एक कदम आगे बढ़ाएं और वो एक सकारात्मक कदम हो जहां पे आप कंसिस्टेंटली अर्निंग चालू करें, है ना। FNO छोड़ दें और इक्विटी में देखें, इक्विटी में करियर को सीरियसली लें, है ना, क्योंकि एक्चुअल में पैसा इक्विटी से ही बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, दीपावली आई है तो जैसे हम पटाखे जलाते हैं, वैसे ही आप अपने जो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आप उन सबको जला दें, है ना, जला दें और फेंक दें। जैसे अपन पटाखे जलाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, फिर बाद में वो कचरा फेंक देते हैं, वैसे ही आप अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फेंक दें। आपने जितना अभी तक स्ट्रगल किया अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ, उतना बहुत हो गया गाइस, है ना। अभी उसको और कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, रियल में, एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। जितना भी हुआ ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन अब से थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो आज मैं अपने एक ट्रेड के बारे में बताऊँगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, क्या लिया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने फियर देखा। मैं ये ट्रेड को काफ़ी महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब फिशिंग कर रहा हूँ। मैंने इसमें 3-4 बार ट्रेड लिया, एक बार कुछ थोड़ा सा पैसा कमाया, बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो गाइस अपन सबसे पहले है ना, शुरुआत करने से पहले अपन एक एक्सरसाइज करते हैं आज, है ना, कुछ मिनट एक्सरसाइज करते हैं। मतलब कैसे, अगर कुछ भी स्ट्रेस हो आपके मन में ट्रेडिंग से रिलेटेड, नहीं तो कुछ भी कैसा भी स्ट्रेस, नहीं तो संकोच हो मन में कुछ भी टाइप का, तो ये दो चीज़ है ना, फॉलो करो, इससे एक्चुअल में मदद मिलती है। मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ और सच्ची में फ़र्क दिखता है। स्टार्टिंग में एक दो महीना आपको लगेगा कि अपन कुछ तो काम कर रहे हैं, मतलब कुछ तो वर्क है टाइप से, लेकिन बाद में आपको उसका फ़र्क एक्सपीरियंस होगा, है ना, आप अनुभव करोगे कि ये परिवर्तन अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि जो ओम बोला जाता है ना, आपने भी सुना होगा कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है कि पूरे ब्रह्मांड में ओम का उच्चार सुनाई देता है, ठीक है। ये खुद नासा ने ये किया है ना, नासा ने ही प्रूव किया इसको, और ये रियलिटी है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये तो पहले से ही मालूम था, लेकिन एक साइंटिफिकल प्रूफ रहता है, वैसे ही ये प्रूव हो चुका है। तो गाइस ओम, ठीक है, दो एक्सरसाइज अपन आज करेंगे। पहला एक्सरसाइज है ओम बोलना, जितना लंबे समय तक बोल सकते हो उतना, और दूसरा एक्सरसाइज है अपनी सांस को रोक के रखना, ठीक है, जितना लंबे तक रोक सकते हो उतने लंबे तक। इसका ये मैं क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि हम ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं, पहले ही बहुत दिमाग गर्म रहता है, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जैसा हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ओम बोलने से और सांस रोकने से अपना जो लंग्स है ना, अपना लंग्स वो प्यूरीफाई होता है। जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने के पहले जितना टाइम तक हम रुक के रखते हैं ना, उतना टाइम तक अपना ब्लड प्यूरीफाई होता है, मतलब लंग्स काम करता है, ब्लड भी प्यूरीफाई होता है, अपना अंदर का एयर सर्कुलेशन भी थोड़ा प्यूरीफाई होता है काफ़ी अच्छे से, मतलब एकदम डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, और इससे एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, स्टॉपवॉच लगाते हैं कि सबसे पहले हम अपन कितना टाइम अपना सांस रोक सकते हैं, ठीक है। आपको भी ये स्टॉपवॉच दिख रही होगी, तो चलिए एक सबसे पहले तो लंबी सांस लेना, ठीक है। तो अभी स्टॉपवॉच चालू करने जा रहा हूँ मैं, है ना, अगर कुछ भी होगा माइंड में, अगर कुछ भी होगा मतलब द्वंद होगा, तो थोड़ा सा रुकें, वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। अगर पेट भर के खाया हुआ है तो ये अभी मत करना, बाद में करना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो सांस पूरा ले लेते हैं, ठीक है, अभी मैं बात नहीं करूँगा, सीधा बात सांस छोड़ने के बाद ही, ठीक है।
एक्चुअली कुछ तो 1 मिनट 10 सेकंड के आसपास था, ये कुछ ज्यादा ही मैं इसको रोकना भूल गया। ठीक है, 1 मिनट के आसपास मैं रोक सकता हूँ अपनी सांस। पहले मैं 30 सेकंड तक रोक सकता था, फिर बाद में ये प्रैक्टिस में काफ़ी सालों से कर रहा हूँ तो ये होता है। और जितना आप ज़्यादा अपना सांस रोक सकते हो मतलब आपका लंग्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करो कि कितना आप सांस रोक सकते हो। मतलब एक्चुअली अपन जितना सांस रोक सकते हैं उतना अपना लंग स्ट्रांग होता है। ठीक है, और मैं जब भी ट्रेडिंग कर रहा था और जब मैं पैसा नहीं कमा रहा था कंसिस्टेंटली, तो मैं एक्चुअली अपने सेहत के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब खाना तो मैं ज़्यादा खाता नहीं था, खाना मेरा टोटली अफेक्ट होता था, लेकिन एक्सरसाइज में किया करता था। और कपाल भाती है ना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, ये मैं बहुत ज़्यादा करता था। तो मेरे जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत एकदम स्मूथली चलती है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी अपन ये आपने देख लिया, ये पहली एक्सरसाइज। ठीक है, अपना सांस रोको। ठीक है, अपन ट्रेडिंग में अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आपको सेहत के ऊपर ध्यान देना है। अभी डेस्क यही है, अपन एक जगह पे बैठे रहते हैं है ना, बहुत सारे टाइम तक अपन यही करते रहते हैं। तो अपने को एक ये चीज़ है छोटी सी, इसमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपने करना चालू कर दिया और ये आपने किया, तो फिर उसके बाद आप फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हो। जैसे अपन बैठे हुए हैं, कोई ट्रेड चल रहा है, तो करना क्या है ना, करना क्या है, तो सीधा बैठे बैठे कपाल भाती चालू कर देने का। पूरा शरीर हिलता है। ठीक है, मतलब अपन फिशिंग कर रहे हैं कभी, तो ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, सिर्फ ट्रेडिंग में आए हैं अपन, इधर बैठे हैं तो पैसा कमाना सिर्फ वो नहीं अपना मोटो, अपने को ज्यादा से ज्यादा, जब तक भी अपन जी रहे हैं, ऐसा नहीं ज्यादा से ज्यादा जीना है, ज्यादा से ज्यादा जीना चाहिए, लेकिन जब तक जी रहे हैं ना तब तक एकदम हेल्दी लाइफ जीना चाहिए। ठीक है, तो अपना हेल्थ के ऊपर भी फोकस करो। अभी हम करते हैं ओम बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ मूव कर दें। और हाँ, ये ओम बोलने से ये ओम बोलेंगे, फिर बाद में जब भी अपन बंद करते हैं ओम, तो जो हम का उच्चारण है ना, उससे जो वाइब्रेशंस जो पैदा होती है ना, पूरा ऊपर सर से लेके पूरा पैर तक है ना, मेन तो ये पूरा हिलता है, जो वाइब्रेट होता है ना, उससे गाइस बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। आपकी जो सोच चल रही होती है, भले ही आप डर में हो, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ हो, मतलब कोई भी इमोशंस नेगेटिव इमोशन के साथ हो, तो वो वाइब्रेशन जो है ना, वो इमोशंस को हिलाती है, हिलाती है, हिलाती है, हिलाती है। और ये मेरे लिए तो ऐसे काम करती है जैसे जैसे वो चाय की छलनी होती है ना, अपन चाय डालते हैं वैसे ही, मतलब पूरा ऊपर जमा होता है और वो वाइब्रेशन से कचरा ऊपर अटक जाता है और बाकी इसका अच्छा सब नीचे गिर जाता है, ये मेरे लिए ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अपन ओम बोलते हैं, लंबे से लंबा ओम बोलना है, जितना बोल सकते हो उतना। ठीक है, पूरा एकदम लिमिट तक। ठीक है, अब तो अपन करते हैं तो गाइज अभी मैंने 2 बार ओम बोला। पहली बार मैंने ओ का उच्चारण थोड़ा ज्यादा टाइम तक किया, फिर बाद में सेकंड टाइम में मैंने हम का उच्चारण ज्यादा किया,
जब ये अपन करते हैं ना, तभी अपना पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है, ठीक है। आप ये करके देखो और सच्ची में ये काम करता है। जिस टाइम पे आपको चल बिचल होगा कि ट्रेडिंग में क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, नहीं तो कुछ भी जैसे हो रहा है, आप इसको 11 बार ओम बोलो, आप देखोगे, एक्चुअल में देखोगे कि आपका जो पूरा सिस्टम है ना, वो सीधा रिफ्रेश हो गया है, ठीक है। रिफ्रेश हो गया है, नहीं तो आप ऐसा भी एक्सपीरियंस करोगे कि ये रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है गाइस। तो अभी अपन शुरू करते हैं। मेरा जो पहला ट्रेड था, ये जो लिया है मैंने, जेके पेपर में लिया है। देखो, जैसे मैंने कहा था कि मेरा कैपिटल का जुगाड़ हो रहा है, मतलब मेरा कैपिटल अभी तक मेरे पास नहीं आया है और मैं कंटिन्यूसली विड्रॉ करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मेरा विड्रॉ करते करते 2 लाख कम हो गया, मतलब अभी तो सीधा 5.5 था मेरा जुलाई में, है ना। पैसा कमा रहा हूँ मैं, लेकिन विड्रॉल ज़्यादा हो रहा है, जितना अर्निंग है उससे ज़्यादा खर्चे हैं, है ना। मतलब ये ऐसे आमदनी अठनी खर्चा रुपया वैसे ही हो रहा है। तो 3.5 लाख से मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। अभी के टाइम पे ये 4% ऊपर है, ये 2-3 दिन में ही हुआ है, मतलब ये भी रिजल्ट अच्छा है ना, 2-3 दिन में 4%, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, जेके पेपर, ठीक है। तो जेके पेपर में मैंने ट्रेड लिया इसलिए क्योंकि ये पेपर कंपनी है, और पेपर कंपनी मतलब पेपर मैन्युफैक्चरर है एकदम। देखो, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है और 1, 2, 3, उसके बाद ये ब्रेकआउट प्रॉपर हाई वॉल्यूम के साथ, बाद में रीटेस्ट किया। ये देखो, जिस टाइम पे इसने यहाँ पे ट्रेड किया, मैंने यहाँ पे भी 1-2 बार ट्रेड किया, फिर यहाँ पे भी किया, छोटा सा प्रॉफिट हुआ, फिर अभी वापस आया तो मैंने वापस इसको ट्रेड किया, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बुल्स, जहाँ पे इन यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री की होगी, वो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, और वापस अभी री एंट्री बनी। तो अभी देखो, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट भी हुआ है, अभी ये भागने भी वाला है, लेकिन इसने बुल्स को भी ट्रैप किया, इसने बेयर्स को भी ट्रैप किया, ठीक है। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि डबल ट्रैप हो रहे हैं, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि जो लिक्विडिटी बढ़ी है इतनी मार्केट में, उसके वजह से ये ट्रैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो गई इसकी वजह से। तो अभी अपन होल्डिंग्स में देखते हैं मेरी एंट्री क्या थी, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट थी मेरी 438, ठीक है, 438.25। एक्चुअली ऐसा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा फोमो में एंट्री कर लिया, मेरा जो एक्चुअल ट्रेड चल रहा था, ये देखो, मेरे को एंट्री करनी थी यहाँ पे, ये इसका मैंने लो खींच के रखा था, मैंने अपनी ऑर्डर डाला, मैंने अपना ऑर्डर यहाँ पे डाला 435, ठीक है, 435 पे मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाला, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट हुई है ना। फिर उसके बाद जो मेरी एंट्री बाद में एग्जीक्यूट हुई, कुछ तो ये लेवल के आसपास हुई, ठीक है, मतलब हाँ, मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाला, फिर उसके बाद कुछ कुछ क्वांटिटी हुई, बाद में मैं ये लेवल को पकड़ के बैठा था बहुत टाइम तक, कि आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, इसको ये लेवल को रिटेस्ट करेगा, लेकिन रिटेस्ट नहीं हुआ। तो फिर बाद में मैंने ये लेवल को, मतलब ये लेवल से मैंने एक लाइन खींची, ये नहीं आया, तो फिर मैंने ये लेवल के आसपास किधर तो एंट्री की, ठीक है। उसके वजह से मेरा जो एवरेज है वो 438.25 बन गया, हाँ, है ना। यहाँ पे जो मेरा रिस्क था, अभी इसको ही कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो मेरा रिस्क था वो था 0.26%, ठीक है, 0.26% मेरा रिस्क था यहाँ पे। एक्चुअली जब मैंने कैलकुलेट किया था, कुछ 0.25 था, लेकिन 0.26 पकड़ लो, ठीक है। ये मेरी एंट्री थी, स्कैल्पिंग रिस्क और इंट्राडे और पोजिशनल रिवॉर्ड। अभी मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों की, क्योंकि ये तो देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये तो नीचे के साइड में है ना, मतलब बेरिश मोमेंट। तो अभी ये जो ट्रेड है, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये टेक्नो फंडामेंटल ट्रेड है। मतलब अभी जेके पेपर, अभी क्या चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है, मतलब कौन सा त्योहार है, दिवाली का त्योहार है, और दिवाली के त्योहार में क्या होता है, पेपर्स की मतलब मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप फायर क्रैकर्स ले लो, आप ये बुक्स ले लो, देखो बुक्स, इसकी पूजा की जाती है बहुत सारी, बुक्स ले लो, आप मिठाइयाँ ले लो, है ना, मिठाइयों के बाद प्रिंटिंग होती है, बहुत सारे पेपर्स में प्रिंटिंग होती है ना।
तो पेपर्स की जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस बात को समझो, बहुत ज्यादा। मतलब आप जो भी फटाका लोगे वो फटाके पे उसको पेपर्स लगना ही है, उसको पैकिंग करने के लिए भी पेपर लगना ही है, बहुत सारी चीजें, कुछ भी लो, मिठाई का बॉक्स ले लो, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लगता है, मतलब लगता ही है पेपर। तो ये मेरा मेन मोटो था कि जेके पेपर, पेपर्स इंडस्ट्री में इसकी डिमांड आती है। और एक्चुअल में दिवाली सीजन हर एक बिजनेस के लिए अच्छा है, जैसे एशियन पेंट्स भी हो गया, पेंट्स इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग अपने घरों को पेंट करते हैं, है ना, सिर्फ घरों को नहीं मशीन्स को पेंट करते हैं, तो पेंट इंडस्ट्री भी अच्छी होती है, मतलब हर एक इंडस्ट्री अच्छी होती है। लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा करके पेपर पे था, है ना, और पेपर पे इसलिए भी क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट का पैटर्न है यार, एकदम खतरनाक लेवल में मस्त है एकदम, है ना। और देखो यहाँ से इसका जो हाई बना है, इसने 40% का हाई बनाया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे, ये हो सकता है कि देखो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे रुक जाए और फिर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करे, तो अभी मैंने ये एक प्लान किया है कि जब तक मेरा कैपिटल पूरा अरेंज नहीं हो जाता, मतलब रास्ते में अटका हुआ है, जब तक मेरा वो नहीं आ जाता तब तक मैं इसको रखूंगा। और अगर समझो ये मेरे एंट्री पॉइंट पे आ जाता है, मतलब अभी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अभी हो सकता है कि कल के दिन मतलब यहाँ पे ये वापस ट्रैप ले ले, है ना। अभी देखो, जैसे देखो इसमें छोटा सा यहाँ पे ट्रैप लग रहा है, हो सकता है कि ये वापस नीचे आ जाए, है ना, नीचे आने के बाद और हो सकता है कि और नीचे चला जाए, तो मैं 440 पे एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, मतलब ये जो 125 रुपये मैं अपने पास रखूंगा वो मेरे क्या बोलते हैं टैक्सेस चार्जेस निकल जाएंगे, मतलब मैं जीरो ब्रेक इवन पे, मतलब मैं निकल जाऊंगा ट्रेड में। लेकिन अगर ये नहीं आता तो मैं इसको होल्ड करके रखूंगा और बड़े टारगेट के लिए मैं इसके साथ जाऊंगा, क्योंकि छोटे कैपिटल में मुझे ट्रेड लेने में मज़ा नहीं आ रहा है, एक्चुअल में मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। तो बात यही है। और दूसरी बात ऐसी है कि देखो फायर क्रैकर्स की, हाँ, इन 2022 रिटेल क्रैकर सेल्स अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट दिल्ली वर अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़। ठीक है, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़। और क्रैकर्स में पेपर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप ही सोचो कितना होता है। ठीक है, नहीं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नियर अबाउट जो भी उसकी कॉस्ट होती है, जितने में वो बेचते हैं, उसके 10% पेपर कॉस्ट होती है, मतलब पैकेजिंग और प्लस उसके ऊपर जो पेपर लगता है वो। ठीक है, तो अगर नहीं, तो भी 600 करोड़, मतलब सिर्फ क्रैकर्स का जो बिजनेस है उसमें 600 करोड़ पेपर्स का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिर्फ इसमें ही नहीं, अपन अगर स्वीट इंडस्ट्री देखें, स्वीट सेल, स्वीट सेल इन 2024 दिवाली, ये देखो, हाँ, जो चॉकलेट्स भी जो देते हैं आप, सेलिब्रेशन का चॉकलेट देते हो ना, तो कोई भी चॉकलेट देते हो तो उसमें पेपर बहुत ज्यादा यूज होता है, इनविटेशन कार्ड वगैरह वगैरह, है ना। ये देखो, दिवाली 2024 इंडियन लाइकली टू स्पेंड मोर देन 1.8 लाख करोड़ ऑन ट्रेडिशनल गिफ्ट स्वीट्स। ठीक है, अब ये देखो गिफ्ट और स्वीट्स, गिफ्ट गिफ्ट में तो पेपर आता ही है, लेकिन स्वीट्स में अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 5% कॉस्ट होती है। ठीक है, 5% जाती ही, मतलब जाती है। और आज के टाइम पे अपन अंदर मिठाई कौन सी भी भरे, लेकिन जो पैकेजिंग होती है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए तो पेपर लगना ही लगना है, ये एक बात हो गई। अभी उसके बाद, और ये लेने का मेरा कारण ये है, जे के पेपर, हम यहाँ पे सेल्स देखेंगे और प्रॉफिट देखेंगे। ठीक है, अभी प्रॉफिट देखो, 22 से 544, 1208, फिर 1133, फिर अभी 961, ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये अब तक का है। ठीक है, TTM है। तो उसके बाद, उसके पहले अपन ये देखेंगे कि सेल्स 22 से 3,900, मतलब 4,000 करोड़, फिर बाद में 6,437, फिर बाद में 6,659, फिर 6,789, है ना, 100 100 करोड़ बढ़ा है, मतलब सेल्स बढ़ा है, बढ़ रहा है, 2021 से सेल्स बढ़ते जा रहा है। फिर
फिर अभी ये प्रॉफिट ये भी बढ़ ही जाएगा मतलब मार्च तक, क्योंकि अभी कितना 5 महीने और बाकी है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो छोड़ो, लेकिन सेल्स सेल्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा कारण था ये देखने का, जेके पेपर में ट्रेड करने। अगर समझो नहीं भी चलता है तो होगा क्या, एक स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो गया मेरा टाइम, है ना। एक स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो छोटा प्रॉफिट होगा। अभी छोटे प्रॉफिट के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा अच्छे के लिए ही बैठा हूँ, क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी अच्छे से दिया था। ये देखो, मैं जितना भी कोशिश करूँ कि मैं सोचूँ कि ये चलेगा चलेगा चलेगा, इसको चलना है तो ये चलेगा, नहीं चलना है तो नहीं चलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है। और जहाँ पे मेरी ट्रेडिंग है कि जैसे मैं ट्रेड करता हूँ कि मैं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मेरा हमेशा डबल डिजिट में होता है, मतलब 1:10 प्लस, हमेशा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे टाइप से, है ना। आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो मैं कितने रिवॉर्ड में हूँ। मैंने देखो यहाँ पे मेरी एंट्री है, ठीक है, 437 के आसपास, और देखो यहाँ पे भी जब मैंने एंट्री ली थी ना, इसके इसके बेसिस पे जब मैंने एंट्री ली, तभी मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा, इतना सही था, जितना मैंने यहाँ पे रखा था उतना ही मेरा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था, मतलब 0.25% गई, ठीक है। मतलब ये था मेरा कि ऐसा नहीं हो कि 100-150 क्वांटिटी के लिए 25 पैसा, लेकिन बाकी के 650 क्वांटिटी के लिए 1 रुपया के आसपास चला जाए, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ तक इतना दे दो 2.5 रुपया हो जाता है, तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। अगर नीचे आता तो मैं यहाँ पे निकल जाता, ठीक है, फिर इस लेवल पे आके तो मैं वापस देखता, री एंट्री का सोचता वापस, ये है ना, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी एफिशिएंसी कम है, मतलब 10 में से मेरे 7-8 ट्रेड गलत जाते हैं, कभी कभी 9 भी चले जाते गलत, ठीक है। लेकिन जो एक ट्रेड आता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देता है, ठीक है। अभी देखो ये 4% दिख रहा है यहाँ पे, 4 डिवाइड बाय 0.26 पकड़ लेते हैं, 2.5 था लेकिन 0.26 पकड़ लेते हैं, तो अभी भी मैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:15 के आसपास हूँ, ठीक है। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:18 में टच करके आया है, ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। मेरा यहाँ पे एक ही मोटो है अभी कि मैं यहाँ पे 1:100 कैच करूँ, ठीक है। मैं इसके लिए रुकूँगा, अगर ये नीचे भी आता है तो जितना मैंने ये कमाया है, कितना 14-15 हज़ार जो भी है, वो 0 भी हो गया तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को बस रिस्क टू रिवॉर्ड 1:100 टच करना है। बहुत टाइम से मेरी इच्छा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यही है, यही है मेरा एक ट्रेड है जेके पेपर में, और दूसरे भी काफ़ी ट्रेड थे, हालांकि मैं उनको ट्रेड नहीं कर पाया। ट्रेडर्स आप भी अपना जो रिस्क है वो छोटे से छोटा रखो और रिवॉर्ड बड़े से बड़ा रखो, यही एक होली ग्रेल है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी में महारत हासिल करनी पड़ेगी, और प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने फेवर में नहीं होती, ठीक है, मतलब more than 60% ऑफ टाइम हम गलत होने ही वाले हैं, इसका कोई भी उपाय नहीं है। अगर आपको 50% से ऊपर सही होना है तो आपको रिवॉर्ड फिर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, है ना। और अगर रिवॉर्ड कम करते हो तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं आप उनके ऑपोजिट के, उनके विपरीत काम कर रहे हो, वो हमेशा अपना रिस्क छोटा रखते हैं और रिवॉर्ड बड़ा रखते हैं, जैसे बैंक्स काम करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, जैसे हेज फंड्स काम करते हैं, उनकी तरह ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसा मेरा 5% का टारगेट है, अगर देखा जाए तो कल के दिन भी अगर मार्केट अगर ये 4% से 5% के ऊपर चला जाता है, मैं उसको निकाल देता हूँ, तो मेरा ये मंथ का 5% का टारगेट हिट हो जाता है ना, पूरे कैपिटल पे 5%। लेकिन बस वो 5% का टारगेट नहीं होता, अपना जितना ले सकते हैं उतना लेना, लेकिन एवरेज जो बाद में निकलता है, जो पूरे साल का निकलता है, वो 5 से 8% के बीच में ही वेरी करता है, कितना भी झक मार लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ठीक है। कोई कोई टाइम ऐसा आता है कि अपने को ट्रेड अच्छे मिलते नहीं है। अभी पिछला जो महीना था मेरा इतना अच्छा नहीं था, मेरा टारगेट उसमें अचीव नहीं हुआ, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में मैं ज़्यादा कमा लूंगा, और वो जो एवरेज जो रहेगा पीछे का वो 5 के हिसाब से ही चलता रहेगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने देखा है ये ऐसे ही काम कर रहा है, तो आगे भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है गाइस, बाय। और लास्ट में फिर से हैप्पी
दीपावली।